जी मैं आ चुका हूँ चीते के केज में, चीता बाजरा खा रहा है कबूतरों वाले केज में। ये चेक करें, फैंसी कबूतर सारे इसके इर्द गिर्द खड़े हैं, बाजरा खा रहे हैं। ये ची जो शेरू के केज में आ चुका हूँ, शेरनिया और शेरू, ये चेक करें, ये बाजरा खा रहे हैं। ये है वाइट हीरा, मेरा वाइट हीरा के केज में आ चुका हूँ। तो ये इधर बैठा हुआ है, इधर अंदर चलते हैं, सुरखाब को देखते हैं। ये है सुरखाब और ये है वाइट मादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर अफियत से होंगे। अच्छा भाई, मैं हूं जैद राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय बिलाल। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब कर दें, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इधर आते हैं तो ये आपको दिखाते हैं, एक अदद कबूतर और एक अदद चीता। चीता इधर है और कबूतर उधर है, ठीक है जी। चीता इसको बाजरा वगैरह डाला था, इसके आगे रखा था, इसने खाया है बाजरा वाजरा। इसको और बाजरा इधर डालते हैं, पानी वगैरह इसके आगे पड़ा हुआ है, और भी डालते हैं इसको पानी। इधर आते हैं तो ये हैं मेरे कबूतर, अंदर चलते हैं, पहले देखते हैं कि इनको इन्होंने किसी ने अंडा वगैरह दिए हैं या नहीं। नहीं जी, किसी ने भी अंडे वंडे नहीं दिए हुए, सारे इनके जो है ना घर खाली हैं। ये जो खाने से बने हुए हैं ये भी खाली हैं। दूसरी साइड पे चलते हैं, जो जहाँ पे ना फैंसी देते रहते हैं अंडे बच्चे, उधर चलते हैं। इधर इन्होंने भी कोई किसी ने भी अंडे वंडे नहीं दिए हुए, सारा कुछ खाली है। तो इनको इधर बाजरा वगैरह डाल दिया है, ये अपना बाजरा खा रहे हैं। मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि साफ है, क्लियर है जी। ये सूरज चमक रहा है आपके सामने, धूप है कड़ाके की, लेकिन अब वो गर्मियों वाली जो धूप होती है ना, वैसी धूप नहीं है। इधर आते हैं शेरू गैंग की तरफ, ये आप देख सकते हैं शेरू को हमने यहाँ पे बाजरा डाला है, डाला नहीं बल्कि रखा हुआ है, ये अपना बाजरा वाजरा खा रहा है यहाँ पे। तो ये सूरत हाल है, इनको थोड़ा सा खोल देते हैं भाई। इधर आते हैं तो इस वाइट हीरा की तरफ, ये वाइट हीरा तो बस अब वाइट हीरा नहीं रहा, ये बिल्कुल जो है ना अब गया गुजरा हो गया, ये गिर रहा है, ये देखें इसको। इनको भाई साहब बाहर निकाला था, ये फिर अंदर आ चुकी हैं। इनको फिर थोड़ा सा बाहर निकालते हैं ताकि ये घूम फिर सकें। शेरू को चेक करें, शेरनियों के साथ बाहर आ चुका है, ये चेक करें। इनको थोड़ा सा बाहर ही घूमने देते हैं। इधर कबूतर हैं, अपना दाना पानी जो है ना खा चुके हैं, ये चेक करें, ये फिर देख रहे हैं मेरी तरफ ही। इनको डालते हैं और दाना वगैरह ताकि ये पूरे फुल तरीके से के साथ रच जाएं और पूरा दिन जो है ना इनको ज़रूरत ना पड़े मज़ीद दाने की। इनको इसलिए नहीं हूँ बाहर कि ये उड़ जाते हैं, तो मेरे पास सुबह का टाइम है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ताकि फिर मैं इनको बंद करने में टाइम लग जाता है। कोई उड़ जाते हैं, इनको अंदर फिर करने में ना टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं जो है इनको अंदर ही सारा कोई दाना वगैरह डालता हूँ। हाँ, फ्राइडे वाले दिन
थोड़ा मैं लेट जाता हूँ काम पे, तो फिर इनको बाहर खोलता हूँ। खोल के पिछली दफ़ा भी खोले थे फ्राइडे को, और दो तीन उड़ गए थे। तो एक जो है ना बच्चा यहाँ पे, उस दिन मैंने आपको बताया था ब्लैक सा बच्चा है, वो वापस आ गया था। वो है वो ये इसके अंदर जा रहा है वो वाला, ये बच्चा था, ये वापस आ गया है। बाकी एक या दो जो है ना वो नहीं आए हैं। ये शेर देखें, ये वो शेरी जैसे ही है, क्योंकि बैर जो है ना ये कोई इजी फील नहीं कर रही। चल तू भी जा, चल 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 अंदर चल। काफ़ी मकदार में ये बाजरा वगैरह खा चुके हैं, पूरा इनके आगे ना ये शापर रख दिया था। ये शेरू को चेक करें, साथ शेरनी भी लगी हुई है ना। ओए शेरू, खा चुके हो? पूरा खा चुके हो? शेरू का खड़ा होने का अंदाज देखें, ऐसे ये चेक कर रहे हैं इसको। शापर उपाड़ रहा है अभी। अब शापर को तो रहने दो, चूंचे मार मार के तो शापर इसने फाड़ दिया। इधर देखें कबूतर फिर मेरी तरफ देख रहे हैं। ये देखें कुछ ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ नीचे हैं। ये अभी सही तरीके के साथ रजे नहीं हैं, इसलिए ये अभी मेरे तरफ ही देख रहे हैं कि हमें और डाला जाए, और से और डाला जाए। तो इनको डालते हैं, और इससे पहले चलते हैं वाइट हीरा की तरफ, उसको आगे ये शापर रखते हैं, देखते हैं वो क्या करता है। कोई नहीं भाई साहब, इसके आगे ये मैंने रखा है लेकिन ये नहीं खा रहा। बस इसके दिन बस गिने चुने रह चुके हैं। कोई नहीं, ये बस ख़त्म है तकरीबन। शेरू गैंग ने शोर मचाया हुआ है कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई है। इधर आपका चेक करवाया है पहले भी, हीरा गैंग। कोई नहीं, अंडा इधर देती रहती है, लेकिन कोई नहीं, अंडा वंडा इसने दिया हुआ, पता नहीं देती हैं तो खा पी लेता है सुरखाब या क्या। भाई साहब ये बिल्कुल बीमार हो चुका है, ठीक नहीं है। इधर शेरू बुला रहा है मुर्गियों को, अपनी शेरनियों को, कि इधर आ जाएं, लेकिन वो नहीं आ पा रहे। ये आ चुकी है वाइट मुर्गी, ये खा रही है लेकिन वो नहीं खा रहा भाई साहब। इसने अब खाना पीना भी छोड़ दिया हुआ है। क्या किया जा सकता है? मैंने तो काफ़ी इसके साथ ट्राई की है, इसको थूम प्याज हर एक मेडिसिन देता रहा हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं हो सका। तो इसको डालते हैं उधर, पानी भी डालते हैं और बाजरा भी डालते हैं। इसको करते हैं बंद, चेरू को भी करते हैं बंद, और इनको डालते हैं और बाजरा। इनको और डाल दिया है बाजरा। ये सारे आ चुके हैं, फिर एक दफ़ा बाजरा और खाने में मसरूफ। ये लें, चेक करें, ये सारे अब एकजुट होके ना अपना बाजरा बाजरा एक दफ़ा फिर खा रहे हैं। शेरू इधर बाहर आ गया, शेरू को करते हैं अंदर, और चीते को भी डालते हैं बाजरा। चल इधर आ, इधर अंदर अंदर चल। ये शेरू भाग के ये अंदर चला गया है। ये लें जी, इसको भी डाल दिया है, ये देखें। लेकिन ये ठीक नहीं होगा भाई साहब, मुझे तो उम्मीद नहीं है इसके साथ। ये देखें शेरू अंदर आ चुका है, ये स्टील इधर बाजरा बाजरा खा रहे हैं, इनको और बाजरा डाला है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा चीते को डालते हैं बाजरा।
ताकि ये भी अपना बाजरा बाजरा खा पी सके। ये लें जी, इसको भी डाल दिया। वो कबूतर भी है ऊपर, वो भी आएगा तो खा पी लेगा इसके साथ जो बचा होगा, क्योंकि ये मारता है उसको, खाने नहीं देता सही तरह से ना। वो आता है तो ये उसके पीछे भागता है, उसके साथ उलझता है ये, तो वो फिर भाग के तो ऊपर चला जाता है। तो ये भाई साहब सारा खा पी रहे हैं। तो भाई साहब ये पौधे हमारे चेक करें, काफ़ी फूल निकले हुए हैं माशाल्लाह से। ये सारे पौधे ग्रीन ग्रीन हुए हुए हैं, और इसके साथ गुल दोपहरी के साथ बड़े ज़बरदस्त फूल निकले हुए हैं। इधर ये सारे चेक कर सकते हैं, ये भी छोटे छोटे फूल। ये फूल देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा येलो सा। ये इधर चेक करें, हमारा आउट व्यू है, एक टावर लगा हुआ है वो सामने, एक और वो दो, इधर भी काफ़ी टावर लगे हुए हैं। तो भाई साहब इन सब को ना दाना पानी डाल दिया है, आपके सामने आपके साथ वीडियो बना के शेयर किया है आपके साथ। तो ये सारे, ये देखें चीता लगा हुआ है, ये इधर कबूतर लगे हुए हैं सारे, इधर ये खा पी के तो अंदर चले गए हुए हैं, और इधर ये इनके आगे पड़ा हुआ है बाजरा बाजरा, पानी वानी सारा कुछ डाल दिया, लेकिन ये नहीं खा रहा, बेचारा बीमार है, तकलीफ़ में है, कोई समझ नहीं आई इसको है क्या। तो इनके केजीज वगैरह करते हैं लॉक, लॉक करने के बाद फिर आपसे चाहते हैं इजाज़त, इस उम्मीद के साथ के होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। तो मिलते हैं कल एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये बाजरा पड़ा हुआ है, इसको रखते हैं अंदर, अंदर ले कर चलते हैं भाई साहब। ये रख दिया अंदर भाई साहब, और तमाम केजीज वगैरह लॉक हो चुके हैं। तो ये अपना खाना दाना पानी खा पी रहे हैं।